नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। अब श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुगम होने जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने उत्तराखंड में धारचूला लिपुलेख मार्ग का निर्माण किया है। इस मार्ग के बन जाने से मानसरोवर की यात्रा में श्रद्धालुओं को कम वक्त लगेगा, क्योंकि अब श्रद्धालुओं को कठिन रास्ते पर सफर नहीं करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस मार्ग का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बीआरओ ने 80 किलोमीटर की इस सड़क से धारचूला को लिपुलेख से जोड़ा है। ये विस्तार 6000 से 17,060 फीट की ऊंचाई पर है। नई सड़क पिथौरागढ़ तवाघट घटी अबागढ़ मार्ग का विस्तार है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा, लिपुलेख रूट 90 किलोमीटर का ऊंचाई वाला ट्रैक था। अधिक उम्र के यात्रियों को यहाँ बहुत मुश्किल होती थी। अब ये यात्रा वाहनों से की जा सकती है। लोगों को अब 5 से 6 दिन तक चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि अधिक ऊंचाई, भारी बर्फबारी और साल में केवल 5 महीने काम करने लायक होने की वजह से इस सड़क का निर्माण बहुत चुनौतीपूर्ण था। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया, मानसरोवर यात्रा के लिए आज एक लिंक रोड का उद्घाटन करके खुशी हुई। बीआरओ ने धारचूला से लिपुलेख को जोड़ने की उपलब्धि हासिल की। इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट के नाम से जाना जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाहनों के एक जत्थे को पिथौरागढ़ से गुंजी के लिए रवाना किया। गौरतलब है कि मानसरोवर यात्रा के लिए 2 रूट है, एक लिपुलेख से और दूसरा सिक्किम में नाथुला से। अब लिपुलेख से मानसरोवर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी।